आज के हम इस वीडियो में बताएंगे वर्ग निकालने की ट्रिक, स्क्वायर ट्रिक। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर ट्रिक। पहले तो इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए थे वर्ग कैसे निकाला जाता है, और वर्गमूल बताए थे गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी। आज हम बताएंगे स्क्वायर ट्रिक। पहले तो हम 1 से लेकर 10 तक का सबका हम स्क्वायर निकाल लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। 1 से लेकर 10 तक आप लोग याद कर लीजिएगा स्क्वायर। अब हम 11 से बता रहे हैं आपको ट्रिक के माध्यम से कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। यहां पर 11 का स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर क्या है 1 का पहले हम स्क्वायर कर लेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, ठीक। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, 1 1 जा 1 और 1 जो 1 आएगा मल्टीप्लाई करने पर उसका हम क्या कर देंगे 2 गुना, यानी 2 का गुणा कर देंगे। 1 1 के 1 1 में 2 का गुणा करेंगे कितना जाएगा 2, ठीक। अब क्या बचा 1, अब ये इसका हम स्क्वायर कर देंगे 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। इसी की जैसे हम 12 का निकालेंगे। देखिए पहले हम किसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2 जब आ जाएगा इसका हम 2 गुना करेंगे यानी 2 का गुणा फिर 2 में कर देंगे कितना जाएगा 4। अब हम किसका निकालेंगे 1 का स्क्वायर निकालेंगे कितना जाएगा 1 का स्क्वायर 1, देखिए हमारा आ गया 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। इसी की जैसे अब हम किसका निकालेंगे 13 का स्क्वायर, देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 3 1 जा 3, अब 3 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 3 2 जा 6। अब हम 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, देख कितने आसान तरीके से आ गया हमारा वर्ग। अब हम निकालेंगे 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16, तो 6, 1 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा और 1 4 जा 4 और 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 और जो हासिल बचा है उसको हम ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 9। समझ में आया कि नहीं आप लोग को। अब इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इसका। देखिए जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 और जो 1 है उसको हम हासिल में छोड़ेंगे, जब इसका गुणा कर लेंगे 1 का गुणा 4 में 4 आ जाएगा और 4 का 2 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो हासिल बचा हुआ है उसमें हम ऐड कर देंगे हासिल को 1 तो कितना हो गया 9 और फिर हम 1 का स्क्वायर कर लेंगे 1 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर निकालने देंगे। पहले 5 का हम स्क्वायर निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 25 का हम 5 लिखेंगे और 2 हासिल हो जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 1 5 से 5 और 5 में हम कितना ऐड करेंगे कितना हासिल बचा था 2, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। अब हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे मिस्टेक हो गया, यहां पर देखिए 5 का जब हम निकालेंगे कितना हो जाएगा 25, 5 लिखेंगे और 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। अब इसका हम 2 गुना करेंगे ना, 5 2 जा 10 और 10 में जब 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 12 का 2, हासिल कितना बचा
वन बचा है, तो वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन, और वन में फिर वन अभी हासिल बचा हुआ है तो वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, फिर हासिल ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। ये हमारा हो गया, इसको साफ से लिख देते हैं, 225 आ जाएगा। अब इसी से हम किसका निकालेंगे 16 का स्क्वायर निकालेंगे। देखिए 6 का निकालेंगे कितना आ जाएगा 36, तो 36 का हम कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, और 3 मेरा कैरी हो जाएगा, और 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6, और 6 का दोगुना करना है 6 2 जा 12, और 12 में कितना ऐड करेंगे हासिल कितना बचा था 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 55, हासिल कितना 1, और 1 का 1 में 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1, और हासिल कितना बचा है 1 ही ना, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। देखिए हमारा आ गया। इसी के जैसे हम लोग 17 18 19 20 इसी जैसे हम सॉल्व करेंगे। अब हम बताएंगे 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, अब 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 का 9 और 4 हासिल हो जाएगा, और 7 1 जा 7, 7 का दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा 14 में सॉरी हाँ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 14 में 4 ऐड करना होगा। देखिए यहां पर 17 का स्क्वायर है ना, तो 7 का हम स्क्वायर कर लिए कितना हो गया 9, 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 लिखे 4 हासिल हो गया, 7 1 जा 7, 7 का दोगुना 14 हो जाएगा, 14 में जब 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 का 8 हासिल कितना बचा 1, और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। ठीक, कितने आसान तरीकों से आ गया। इसी के जैसे आप लोग निकालिएगा 18, 19 का और 20 का भी हम बता रहे हैं। एटीन का स्क्वायर आप लोग को निकालना है और 19 का निकालना है स्क्वायर। अब हम बताएंगे 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर देखिए इसका 0 का तो 0 ही आएगा, 2 का कितना कर दीजिए 400 इसका तो आसानी से आ जाएगा। अब हम 21 का निकालते हैं, 21 का स्क्वायर देखिए इसमें वही काम करना होगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, फिर 2 का इसका दोगुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा 4, एक है इसका देखिए 441 आ गया। अब हम किसका निकालेंगे 22 का स्क्वायर, जहां आप लोग को ना समझ में आया आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को इससे भी और भी बढ़िया कोशिश करूंगी इजी तरीकों से समझाने की। बस आप लोग को जितना बताया जा रहा है आप लोग उसको फिर से रिवाइज करिए, देखिए मेरा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, फिर से आप लोग करिएगा जरूर आएगा आप लोग को। अब यहां पर कितना है 22 का स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर निकालना है, पहले हम किसका निकालेंगे 2 का स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 4, और 4 का दोगुना 8। अब हम फिर किसका निकालेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब हम निकालेंगे 23 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 3 2 जा 6, 6 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल बचा 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 5। ये देखिए हमारा स्क्वायर निकल गया।
इतना तो आप लोग फिर से करिएगा। अब किसका जो जो बाकी है 23 तक तो बता दिए, फिर 24, 25, 26, 27 आप लोग इसका करिएगा। अब हम इससे आगे वाले का बता रहे हैं, जो 100 से बड़ा संख्या। 100 से बड़ा संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए यहां पर 101 का स्क्वायर निकालना है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं 100 से बड़ा संख्या का स्क्वायर। 100 से बड़ा संख्या का वर्ग निकालना। देखिए यहां पर देखिए 100 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो 101 का स्क्वायर निकालें, तो 101 में एक ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 101 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? पहले हम एक का वर्ग निकाल लेते हैं, इसको हम दो संख्या में लिखेंगे, तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक आएगा, तो हम इसको दो संख्या में लिखना है हमको, तो 0 1 का मतलब एक ही आएगा, तो इसको हम 0 1 लिखेंगे। अब इसमें देखिए कितना ज्यादा है उसको हमें लिखना है, तो 101 में एक ज्यादा है तो एक को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 102। देखिए हमारा आ गया कितने आसान तरीकों से। अब हम ऐसे 102 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है? तो पहले हम 2 का वर्ग कर लेते हैं, 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो हम 0 4 लिखेंगे, दो संख्या हमको लिखना रहता है। अब 102 में 100 से कितना ज्यादा है, 2 2 ज्यादा है, तो 102 में हम कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो 102 में जब 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 104। ये हमारा वर्ग निकल गया। अब इसी की जैसे आप लोग 3 का 4 का 5 का निकालिएगा। देखिए अब 3 का आप लोग को निकालना है, 103 का स्क्वायर आप लोग को निकालना है। अब हम बता रहे हैं 104 का स्क्वायर। देखिए यहां पर सबसे पहले किसका वर्ग निकालेंगे, 4 का, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, कितना हो जाएगा 16, तो दो संख्या इसमें आ गया, तो यानी इसमें 0 नहीं लेना है। अब 104 में 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 104 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ये हमारा आ गया। अब इसी की जैसे हम निकालेंगे 100, अब आप लोग 105 का, चलिए हम ही निकाल देते हैं 105 का, तो 5 का निकालेंगे स्क्वायर, तो 25 आ जाएगी, इसको लिख दीजिए पूरा। अब 105 में ये देखना रहेगा 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतना हम 105 में जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 105 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 5 5 10 बाकी 110 हो जाएगा, तो यहां पर हम 110 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप लोग 106 का निकालिएगा। अब हम बता रहे हैं 107 का, 107 का निकालेंगे। देखिए 7 7 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 49 पूरा लिख दीजिए, ठीक। अब 107 में 100 से देखिए 7 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतने में हम जोड़ेंगे, 107 में हम 7 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 114 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसी जैसे 108 का निकालेंगे स्क्वायर, जितना हम आप लोग को बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए और फिर से अपने से कोशिश कीजिए, देखिए हमारा आ रहा है या नहीं, इसको चेक करिए ये सही है या नहीं, आप चेक भी कर सकते हैं। और इतने आसान तरीकों से बताया जा रहा है, आप लोग तुरंत निकाल लेंगे अगर अच्छे से वीडियो देखेंगे तो। 108 का निकालना है स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर निकालिए कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो 4 हासिल कितना 6, और 108 में 8 ज्यादा है तो 108 में 8 को जोड़ दीजिए, 8 8 16 116 हो गया। अब
116 जब हो गया तो इसमें अभी सॉरी यहाँ पे 64 पूरा लिखना है, तो 116 पूरा लिख दीजिए यहाँ पर, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बताएंगे 109 का स्क्वायर, तो 109 का निकालिए कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 लिख दीजिए, और 109 में 9 ज्यादा है तो 9 को जोड़ लीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 9 9 18 और 118, ये हमारा आंसर हो गया। अब ऐसे ही आप लोग करके देखिएगा, 109 हो गया, अब 110 का निकालिए, 111 का निकालिएगा, इसी के जैसे आप लोग निकालिए कि 100 से बड़ा संख्या का वर्ग, और यहाँ पर बता भी दिए हैं कि 22 का कैसे वर्ग निकाला जाता है, 23 का कैसे निकाला जाता है, 24 का, ये सब आप लोग निकाल के देखिएगा, मैंने पूरा नहीं बताया है, जैसे देखिए वहाँ 20 का बताया, फिर 21 का, 23 का, 22 का, इन सब का बता दिए हैं, अब जो बाकी है वो सब आप लोग निकाल के देखिएगा कि सच में मेरा आ रहा है या नहीं, इस ट्रिक से आप लोग करके देखिएगा।